राजस्थान की दशा और दिशा बदल दी। वो शख्सियत है जो राजस्थान की दशा और दिशा बदलने का एक ऐतिहासिक प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक एक बार जोरदार जोरदार तालियों के साथ जय घोष के साथ अभिनंदन कीजिएगा उस शख्सियत का जिन्होंने समाज की दशा और बहुत दिशा बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बोले बाबा राम साहब की अशोक गहलोत। हमारे बीच राजस्थान के जननायक और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब का माला पहनाने के लिए स्वागत इस पवित्र धरा पर मैं आग्रह करूंगा। आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा की आप आदरणीय नवलगढ़ की वीर धरा पर अभिनंदन और स्वागत उस शख्सियत का जिन्होंने राजस्थान की दशा और दिशा बदली। जिला अस्पताल बना दिया नवलगढ़ को, जाजन में सीएचसी, डुबरू, डुमरा, केशेरू, सुतलिम, पीएचसी, लंबी लिस्ट है। नवलगढ़ मिनी सचिवालय की डीपीआई बनाई जा चुकी है, जल्दी भी काम शुरू होने वाला था। 220 की बेरी में जीएसएस, नॉर्थ सिंगानी में 33 का, नवलगढ़ में ड्रेनेज के काम चल रहे हैं, पानी की निकासी का काम मुकंदगढ़ में हो रहा है, परसामपुरिया में खेल स्टेडियम बन रहा है, एडीजे कोर्ट खोला गया है, औद्योगिक क्षेत्र खोला गया है। कुमाराम लिफ्ट योजना से उनकी डीपीआर तो तैयार हो गई है, मैंने घोषणा करी थी, पानी पीने का आए कुमाराम आर्य से आपके यहाँ। 250 करोड़ की सड़कें बन रही है। काम की और एक मांग आपकी बहुत है कि नवलगढ़ को नगर पालिका की जगह नगर परिषद बनाया जाए। इसके लिए मैं आपको गारंटी देता हूं कि सरकार बनते ही इसको बना दिया जाएगा। आप सोच सकते हो कि अगर सरकार 20 जिले बना सकती है, 20 जिले, तो नगर पालिका से नगर परिषद बनाने में क्या दिक्कत है मुझे। मैं आपसे अपील करूंगा, बहुत भयंकर महंगाई थी, तुमने महंगाई राज चालू किए, हमारी बहनें माता बैठी हुई है, इन सबको जो है इनका विशेष मैंने ख्याल रखा है, अन्नपूर्णा किट दिया इन लोगों को, रसोई के लिए दिए हैं, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी तो 1 करोड़ लोगों को बिल जीरो आ रहा है, 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी किसानों के लिए, बिल जीरो आ रहा किसानों का। तो आप सोच सकते हैं ये महंगाई रात की बात है, ये महंगाई में बचत कैसे हो घर की, ये प्रयास किए गए हैं। लंपी रोग आ गया, गाय मर गई, गाय माता 40,000 रुपये हमने दिए गोपालकों को, इस प्रकार से 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया गया राजस्थान के अंदर। हिंदुस्तान में पहला राज्य राजस्थान है जिसने 500 रुपये में शुरुआत करी गैस सिलेंडर की, और 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, इलाज का बीमा कहीं नहीं है। 25 लाख किसे कहते हैं, इलाज का, ऑपरेशन फ्री, जांचें फ्री, CTC, MRI फ्री, ऑपरेशन फ्री, घुटने बदला रहे लोग बाग, हार्ट का हो रहा है इलाज, कैंसर का हो रहा है, किडनी बदल रही है, कोई सोच सकता है? दुनिया में कहीं नहीं होगा फ्री इलाज 25 लाख तक का। और आगे मंशा और हमारी बढ़ने की है, कैसे मजबूत करें स्वास्थ्य सेवाओं को, क्योंकि लोगों के पैसा बहुत खर्च होता है, गहने गिरवी रख देते हैं, मकान बिक जाते हैं, उधार लेना पड़ता है पैसा इलाज के लिए, माँ बाप के इलाज के लिए भी। और कानून पार कर दिया राइट टू हेल्थ, ऐसे ऐसे कानून हमने बनाए हैं किसानों के लिए, कोई जमीन कुड़ के नहीं होगी, अब कानून बन गया है, सुनवाई होगी, हाईकोर्ट जज बैठेगा, मिनिमम इनकम गारंटी एड कर दिया हमने, न्यूनतम इनकम हो सबकी, शहरों में रोजगार खोल दिया, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, नरेगा की तरह शहरों में रोजगार राजस्थान के अंदर है, 125 दिन का है। ये कई काम हमने किए, जो पहल हमने करी है हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। मैं तो उल्टा कह रहा हूँ उनको, बीजेपी वालों को, तुम बताओ कि आप वोट तो मांग रहे हो, पर आप ये बताओ कि आप 25 लाख का बीमा कब करोगे, ये बताइए, आपने मैनिफेस्टो लिखा नहीं है। केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है, बीजेपी की चाहिए कि इसके लिए वादा करे पब्लिक से, हम भी 25 लाख का बीमा करेंगे, नंबर 1।
नंबर दो है ओपीएस कर्मचारियों के लिए, तुम कब लागू करोगे बताओ हम लोगों को बताओ। ओपीएस ये बहुत बड़ा काम है पूरे देश के अंदर कर्मचारियों के लिए, तो मानव दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। इनके पास कहना कुछ नहीं है, हमने जो काम किए हैं वो आपके सामने हैं। हमने जो है साथ में गैस सिलेंडर दिया 500 में, अब गारंटी हमने दी है गैस सिलेंडर जो है अब 7 गारंटी दी आपको नई, 10 गारंटी पहले वाली थी लागू हो गई, वो अब दिए गारंटी आपको हमने 7 गारंटी। एक तो है गृह लक्ष्मी योजना, महिला मुखिया को घर की महिला मुखिया को 10,000 रुपये मिलेंगे प्रतिवर्ष मिलेंगे। नंबर दो सिलेंडर गैस सिलेंडर जो है अभी 500 रुपये मिल रहा है और मिल रहा है उज्ज्वला योजना वालों को मिल रहा है। अब उसका दायरा बढ़ा करके तो बीपीएल के साथ साथ में जो राशन की दुकान से सामग्री लेता है खाद्य सामग्री 1,05,00,000 परिवार है वो है, उन सबको मिलेगा राजस्थान के अंदर 500 रुपये के अंदर। और सरकार बनने के बाद में हम इसको 400 रुपये तक ले जाएंगे, ये भी मैं वादा करना चाहता हूँ आज नवलगढ़ की धरती पर। 500 का 400 करेंगे इसको, सरकार बनने दो, आप छोड़ने वाले नहीं हैं, आपके लिए जो रात हो सकती रात देंगे आपको। इसके साथ में गोधन योजना, नई योजना छत्तीसगढ़ की सरकार ने चलाई थी, जो गलियों में गाय फिरती है आवारा पशु के रूप में, दुर्घटना होती है गाय मर जाती है आदि मर जाता है, वो तमाम गायें बाड़ों में रहेगी, वहाँ पानी की व्यवस्था चारे की व्यवस्था सरकार करेगी, उसके बाद में दुधारू पशु है तो घर ले जाएगा पशुपालक शाम को सुबह ला के छोड़ देगा, उसे ना तो गंदगी होगी और ना आवारा पशु के रूप में गाय कहलाएगी, सब सम्मान रहेगी वहाँ पर। सरकार गोबर खरीदेगी 2 रुपये किलो से, वो गोबर काम आएगा खाद बनाने के काम आएगा, गैस बनेगी बायोमास बनेगी जलाने के काम आएगा। बहुत शानदार योजना जो थी छत्तीसगढ़ी में देख के रायपुर में हमने यहाँ पर आपको गारंटी दे दी है। 15,00,000 का बीमा हम कर रहे हैं आपके लिए, जो सूखा पड़ता है अकाल पड़ता है या कोई बिजली कड़कती है या ओलावृष्टि होती है या बाढ़ आ जाती कई जगह पर राजस्थान में, ऐसी स्थिति में बहुत कम मुआवजा मिलता, हमने वादा किया है 15,00,000 तक का मुआवजा मिलेगा सब लोगों को, ये वादा किया। छात्रों के लिए इंग्लिश स्कूल पढ़ाने की बात करी हम लोगों ने भविष्य के लिए, मैं जब छात्र था मैं खुद खिलाफ था अंग्रेजी के, क्या काम आएगी, आज मैं महसूस करता हूँ इंटरनेट मोबाइल गूगल यूट्यूब कंप्यूटर आ गए, राजीव गांधी का सपना था पूरा हुआ, उसके अंदर हमारे जो बच्चे हैं नौजवान हैं वर्तमान पीढ़ी है इनका फ्यूचर बने आने वाले वक्त के अंदर, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, अभी हमने 3,000 स्कूलें खोली और इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, लॉटरी खोलनी पड़ती है एडमिशन के लिए, फ्री पढ़ाई है वहाँ पर, प्राइवेट में जाओ 50,000 फीस है 1,00,000 फीस है। अब हमने वादा किया है जहाँ स्कूल मांगी जाएगी हिंदी के साथ साथ में अंग्रेजी की वहाँ स्कूल खोल दी जाएगी, ये हमने वादा किया। बच्चे पढ़ लिख के जाएंगे दुनिया में पढ़ेंगे तो आप नाम कमाएंगे गांव का भी प्रदेश का भी। 500 बच्चों में भेज रहे हैं विदेश के अंदर पढ़ने के लिए सरकारी खर्चे पर, पैसे वाले चले जाते हैं गरीब का आदमी जा नहीं सकता, उनके लिए हमने व्यवस्था करी है। अनुप्रति योजना में कोचिंग 50,000 फीस लगती है, हम 30,000 बच्चों को करवा रहे हैं, पैसे वाला कुछ भी कर सकता है। इसी प्रकार लैपटॉप या टैबलेट हमने वादा किया आपसे 12वीं पास करेगा इस बार बच्चा अगले साल भर्ती होगा फर्स्ट ईयर के अंदर कॉलेज में सरकारी कॉलेज में, उन सब लाखों बच्चों को, क्योंकि पैसे वाला खरीद लेंगे टैबलेट या लैपटॉप खरीद लेंगे, आम किसान का बच्चा गरीब का बच्चा माँ बाप को कहेगा मुझे दिलाओ लैपटॉप या टैबलेट तो 15,000-20,000 का होता वो। हमने वादा किया आपसे तमाम लाखों बच्चों को सरकार उनको टैबलेट या लैपटॉप देगी, ये वादा हम कर रहे हैं आपसे। अंतिम वादा है ओपीएस का, ओपीएस कानून पास करेंगे जिससे कि पक्का हो जाएगा वो, अभी पक्का ही है वैसे पर कानून पास करने का मायने होते हैं वो भी करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा
कि आपके बीच में एक ऐसा आपका उम्मीदवार है जो कमी रखने वाला नहीं है काम करवाने के लिए, आपका लाडला तो ही है, ये मेरा हीरो भी है। यहाँ का चुनाव ये नहीं लड़ रहा है, आपका वोट सीधा मेरे लगेगा, ये मैं कहना आया हूँ आपको। और इसी व्यक्ति ने सरकार जब क्राइसिस में थी, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ मुख्यमंत्री के रूप में, उनमें बड़ी भूमिका राजकुमार शरण का भी सामना की। सरकारें गिरा दी बीजेपी ने, यहाँ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी भी, अमित शाह जी भी, क्या क्या बोलते हैं आप पढ़ते होंगे अखबार में, मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, जादूगिरी के बारे में, क्या क्या बोल रहे हैं वो आप सुनते होंगे। बताइए, इतने बौखला गए लोग हमारी स्कीमें, हमारी योजनाएं, हमारे कानून, उनके बारे में बोलना चाहिए इनको, उनकी आलोचना करें, कमियां निकाले। ये लोकतंत्र में होता है, चुनाव के वक्त में ये लोकतंत्र है, उस पर नहीं बोलेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात भी कर देंगे, जादूगिरी की बात करेंगे, आरोप लगाएंगे, क्या क्या बोलते हैं हमें तो पढ़ते ही संकोच होता है, ये बोल क्या रहे हैं। तो आप सोच सकते हो ये बौखलाहट बोलती है उनकी बौखलाहट बोलती है, घबरा गए हैं जनता के मूड को देख करके। राजस्थान की जनता मूड बना चुकी है, माई बाप जनता ही होती है, कोई कितने बड़ा नेता हो, जनता आखिर माई बाप हो, वो तय करती है किसकी पार्टी सरकार बने। मैं अभी केरला गया था, केरला में 70 साल से, वहां पर एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी सरकार बनती है। मैं चुनाव में गया तो मुझे कहा कि इस बार तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार वहां पर रिपीट होने जा रही है। मैं वो क्यों भाई, कह रहा कोरोना में बहुत अच्छा काम किया। तो मैंने मन में सोचा कोरोना में अच्छा काम किया, सरकार रिपीट भी हो गई, तो राजस्थान में तो कोरोना का वो काम हुआ जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तारीफ करी, बिलोर मॉडल की शानदार प्रबंधन किया, दवाइयों का ऑक्सीजन से मरना नहीं दिया। और तो और मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, धर्मगुरुओं ने, आप सब ने, एनजीओ ने, किसी को भूखा नहीं सोने दिया। सरकार ने 35 लाख लोगों को 5 बार DBT करी बैंकों के माध्यम से, कोई तकलीफ नहीं पाए, ठेले वाले तकलीफ नहीं पाए, कलाकारों को पैसा दिया। कहने का मतलब इतना अच्छा प्रबंधन किया, उसके अलावा इतनी स्कीम लेके आए हम लोग जो बता रहे हैं आपको, गारंटी दे रहे हैं आपको। 10 महंगाई की रात की गारंटी अलग थी, पानी की योजनाएं, बिजली की योजनाएं, कॉलेज खोलना, तहसील खोलना, नगर पालिका खोलना, सड़कें बनाना, वो अलग बात है। तमाम काम करने के बाद में आप सोच सकते हो कि क्या बात बचता, क्या बचता बताइए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी प्रधानमंत्री की वहाँ जून में मीटिंग है, उनके आने के बाद में हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाता है, 2 घंटे बैठना पड़ेगा, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आगे मुझे जाना खेतरे जाना है, तो मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, कम बात में आप ज़्यादा समझना, मेरी भावना को समझना, उनकी कदर करना, मेरी भावना को इज्जत देना, ये मैं आपसे माफी की अपील करता हूँ। इसलिए कृपा करके आप जो है इस चुनाव में, आपके जुड़नों से वीरेंद्र ओला खड़े हैं, नवलगढ़ से राजकुमार शर्मा आपके अपने हैं और मेरे प्यारे हैं, मंडावा रीता चौधरी, पिलानी से पीतराम काला, सूरजगढ़ से श्रवण कुमार, खेतड़ी से मनीष गुर्जर, उधमपाड़ी से भगवान राम सैनी, यहाँ में जाके इनके यहाँ पर बहुत शानदार माहौल है, वहाँ पर भी कृपा करके आप भगवान राम सैनी को भी, राजकुमार शर्मा को भी, तमाम सीटों को जीताओ आप लोग, ये मेरी आपसे मार्मिक अपील है, ये मैं करना आया हूँ। इन महिलाओं को जो है 40 लाख मोबाइल फोन में बांट चुका हूँ, सरकार बनते ही 1 करोड़ महिलाओं को और मोबाइल फोन बांटे जाएंगे। इस प्रकार से कोई कमी रख नहीं रहे हम लोग, महिलाओं में विशेष काम कर रहे हैं, टाइम कम है इसलिए बता नहीं सकता मैं आपको, आप पधारे इतनी बड़ी तादाद में, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भारी बहुमत से राजकुमार शर्मा को कामयाब करोगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। आप एक बार माननीय गहलोत साहब अभी खेतड़ी गए हैं, आप अब आज से वापस जुट जाइए, परसों 12:30 बजे और 1 के बीच में
कोलशा में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल श्रीमान सत्यपाल मलिक जी आ रहे हैं। 21 तारीख को 12:30 बजे कोलशा अपने को आना है। आप सब लोग आना, आज आकर मुझे आशीर्वाद दिया अपने माननीय जननायक गहलोत साहब का, आप लोगों ने हौसला बढ़ाया। और मैं सभी मेरी माता बहनों से, बुजुर्गों से, युवा साथियों से यही कहूंगा, अपन सब लोग अपने अभियान में जुड़ जाओ। 25 तारीख को 10 बजे पहले हाथ के निशान पर बटन दबाकर सारी पेटियां भर दो, और उसके बाद चौथी बार अपने बेटे अपने भाई डॉक्टर राजकुमार को विधानसभा में भारी बहुमत से भेजो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। ये अपने प्रदेशाध्यक्ष मरु प्रदेश मोर्चा जयंत मूंड और भाई साहब रणधीर सिंह बुगालिया, ये आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। और मैं कुड़ाराम जी तोगड़ा एक बार उनको लाएं।